दक्षिण अफ्रीका की गोल्ड माइन में 3 दिन से फंसे मजदूरों को निकाल लिया गया है। इस माइन में 1,000 से ज्यादा मजदूर पिछले 3 दिन से फंसे हुए थे। देखिए रिपोर्ट। दक्षिण अफ्रीका की गोल्ड माइन द बीट्रिक्स माइन में बुधवार रात फंसे मजदूरों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। बताया जा रहा है कि बुधवार रात तूफान के आने की वजह से माइन के पास पावर कट हो गया, जिसके बाद से ही सभी मजदूर माइन में ही फंस गए। शुक्रवार को बिजली की सप्लाई चालू होने पर मजदूरों को निकाला गया। 3 दिन से मजदूर भूखे प्यासे यहां फंसे हुए थे। दक्षिण अफ्रीका की इस गोल्ड माइन में 23 लेवल हैं और ये माइन 1000 मीटर तक नीचे जाती है, यानी इस खदान की गहराई जमीन से लगभग 3000 फीट से भी ज्यादा है। दक्षिण अफ्रीका में व्यवसायिक रूप से माइनिंग की जाती है। यहाँ माइनिंग इंडस्ट्री में मजदूरों की सुरक्षा हमेशा से चिंता का विषय रही है। यहाँ दुनिया की सबसे गहरी और खतरनाक माइंस मौजूद हैं। मजदूरों को ज्यादा से ज्यादा धातु इकट्ठा करने के लिए और गहराइयों में जाना पड़ता है, जो काफी खतरनाक है। साल 2017 में दक्षिण अफ्रीका की खानों में 80 से ज्यादा मजदूरों की मौत दर्ज की गई थी। आकांक्षा ठाकुर, गो न्यूज़।